हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मशीन और रोबोट में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड रोबोट। एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज एक मशीन है, बट ये रोबोट नहीं है। वैसे ही ट्रेन एक मशीन है, बट ये रोबोट नहीं है, क्योंकि हर रोबोट एक मशीन होता है, लेकिन हर मशीन एक रोबोट नहीं हो सकता। हालांकि मशीन और रोबोट दोनों ही एक टर्म्स हैं जो ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस डिवाइसेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेज होते हैं। इसे हम कुछ पॉइंट्स में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्टली हम मशीन के बारे में डिस्कस करते हैं। मशीन एक जनरल टर्म है जो किसी भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रेफर करता है। ये किसी भी काम को ऑटोमेट करने वाले डिवाइसेस को इंक्लूड करता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, एटीएम मशीन या कोई इंडस्ट्रियल मशीन। मशीन्स नॉर्मली स्पेसिफिक टास्क या सेट किए गए टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन होता है। वहीं हम रोबोट की बात करें तो रोबोट एक स्पेसिफिक टाइप का मशीन है जो थोड़ा एडवांस होता है और ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस टाइप्स के होते हैं। इसमें सेंसर्स लगे होते हैं जो एनवायरमेंट को समझने में मदद करता है, और एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जिससे कि रोबोट अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग एक्ट कर सके। रोबोट्स में अनेक गुण होते हैं और उन्हें प्रोग्रामिंग के थ्रू अलग अलग टास्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी होती है। रोबोट में मूवमेंट कैपेबिलिटी होती है जिससे कि यह फिजिकल टास्क भी कर सकता है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल वॉशिंग मशीन एक मशीन है, जबकि एक ऑटोनोमस वैक्यूम क्लीनर या इंडस्ट्रियल रोबोट जो अपने सराउंडिंग्स में नेविगेट कर सकता है और अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर सकता है, ये एक रोबोट कहलाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सके। थैंक यू।